मुझे पता है तुम लोग आधा मर चुके हो ये पहला वाला पार्ट देखकर, क्योंकि मैं खुद मर गया हूँ। और अभी मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था और उसके बाद मैं रोने लगा, और अभी मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी हो, चलो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है 4Kids क्या होता है, राइट? लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि 7 से 11 साल के बच्चों को टारगेट करती है और एनिमे को दोबारा एडिट कर दिखाती है। ये लोग बेसिकली खून खराबा और बहुत से जो ऊटपटांग चीज़ होते हैं ये लोग उन सबको हटा देते हैं और इसको ऐसे एडिट करते हैं कि ये बच्चों को सूट करे। और यार मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही वर्जन इंडिया में भी आया करता था और जहाँ तक मुझे याद है ये आर्लोंग पार्क तक हिंदी डब हुआ था। वैसे तो ये लोग बीच बीच के कुछ एपिसोड्स उड़ा देते थे, लेकिन तब भी मैं इसे पागलों की तरह देखता था। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे घंटा भी पता नहीं था कि एपिसोड में हो क्या रहा है। जो भी हो, पर जो 4Kids ने जो तबाही मचाया है, अरे भैया, वो हम लोग ना चाहते हुए भी भुला नहीं सकते। सो या लेट्स डाइव इनटू दिस डार्कनेस क्रिएटेड बाय 4Kids। वेलकम टू टॉप 5 वर्स्ट चेंजेस मेड बाय 4Kids। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है बेलेमीज डेथ। अब यार तुम्हें आर्लोंग पार्क तो याद होगा ही, जहाँ पे आर्लोंग बेलेमी को मार देता है। और यार सुबह सुबह 7 से 11 साल के बच्चों के लिए मर्डर वाला टॉपिक। अबे साले, माफ करना, मैं जो तमीज से। और इसीलिए 4Kids ने कुछ ऐसा किया। अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, आर्लोंग के पास उसका गन नहीं है और वो बेलेमी को उंगली दिखा रहा है। और डायलॉग भी चेंज हो चुका है, जहाँ पर वो बोलता है कि वो बेलेमी को पूरे लाइफ तक बंद करके रखेगा, वो भी एक अच्छे से कमरे में। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। तो 4Kids के हिसाब से बेलेमी अभी भी जिंदा है। नंबर 2 पे आता है रिवर्स माउंटेन। अब ओरिजिनल सीरीज में क्या हुआ था, स्ट्रॉ हैट्स रिवर्स माउंटेन को पार करते हैं और उनके सामने रहती है बहुत बड़ी सी वेल जो कि अपना माथा फोड़ती है एक बड़े से पहाड़ पर। अब मुझे नहीं पता कि बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि 4Kids ने यहाँ पर पूरा आर्क ही हटा दिया है। अब यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलता है कि स्ट्रॉ हैट्स रिवर्स माउंटेन को पार करते हैं और उनके सामने एक वेल नहीं बल्कि एक बड़ा सा आइसबर्ग रहता है जिसके ऊपर लूफी कैनन फायर करता है और बस आर्क खत्म। साले तू, माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब यार ये चीज सही में खराब है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहली बार क्रोकस से मिलते हैं, वीवी से मिलते हैं और लबून से मिलते हैं। और यार लबून तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आगे की स्टोरी के लिए। यहाँ पे हमें पहली बार राफ्टल के बारे में बताया जाता है और हमें लॉकपोज भी इसी आर्क में दिया जाता है। एंड 4Kids जस्ट रुइंड दिस। नंबर 3 पे आता है क्रोकोडाइल वर्सेस लूफी। अब यार तुम्हें ये पार्ट तो याद होगा ही, जहाँ पे क्रोकोडाइल लगभग लूफी को मार ही देता है। लेकिन ये तो था हमारा ओरिजिनल वन पीस। अब बात करते हैं 4Kids के बारे में। ये पिक्चर देखो, ये है क्या? सबसे पहले तो बैकग्राउंड ऑरेंज क्यों है और क्वालिटी इतना खराब कैसे हुआ? और लूफी उल्टा क्यों है यार? और वो टी शर्ट क्यों पहना हुआ है? ये बहुत ही अजीब चीज, मतलब क्या ही किया है इन लोगों ने। किसी को उस दिन बहुत ही मूड खराब होगा और उसने गुस्से में आकर ये सीन बना दिया है। नंबर 2 पे आता है सांजी। अब हमें पता है सांजी स्मोक करता है, लेकिन जरा बच्चों के नजरिए से देखते हैं। सांजी एक बैड एस कूल सेफ है जो कि स्मोक करता है। इसका मतलब स्मोकिंग भी कूल है। लेकिन भाई यहाँ पे जो 4Kids ने जो खतरनाक एडिटिंग किया है भाई, इतना भेरंड है वो, उन लोगों ने सांजी को एक लॉलीपॉप दे दिया है। लॉलीपॉप, सक मत, तमीज से बात करें। लेकिन जरा सोचो, सही में लॉलीपॉप, मतलब सांजी को अगर लॉलीपॉप दे दिया जाए, वो दिन भर अपने मुंह में लॉलीपॉप डाल के, यार भाई सोच के अजीब लग रहा है। और ये चीज मैं देख चुका हूँ भाई, मुझे याद नहीं है, वो बहुत ही रिलीफ है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये दोबारा देख लिया, अब मुझे ये सब याद आ रहा है यार। जल्दी से नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे आता है ये। ये है क्या? अब मुझे पता है कि 4Kids गन्स और पिस्टल्स को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बहुत ही वायलेंस होता है और इसलिए वो लोग इसको पानी की पिचकारी में बदल देते हैं, जो कि बुरा है, लेकिन चलो इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है कि वो लोग अल्कोहल को भी पानी में बदल देते हैं, जो कि अगेन बुरा है, लेकिन चलो बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये है क्या यार? मतलब ज़रा जूम करके देखो, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है? मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया। ये क्या है? मतलब ट्रिगर हैमर या कुछ? मतलब पहले तो मुझे वही लग रहा है ये ट्रिगर हैमर ही होगा। अच्छा चलो ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है कि कोबी इस चीज़ से थोड़ी ना मरेगा, उसको एक हैमर से वो थोड़ी ना मर जाएगा, इतना कमज़ोर थोड़ी ना है वो। ऐसा चलो इमेजिन कर लेते हैं कि वो इस चीज़ से मर जाता है, मतलब मर सकता है, मरा नहीं है। और लेकिन जो दिक्कत है कि यहाँ पर लूफी को कोबी को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपली यहाँ से भाग सकता है। अबे तमीज़ से बात करें, तमीज़ से जी। चलो मैं काम करता हूँ कि मैं तमीज का तबला फाड़ के
हारमोनियम में रख देता हूँ। तो हाँ यार, ये वीडियो इतना ही था। मुझे पता ये वीडियो छोटी है बिकॉज आई एम लेजी एज फक, तमीज जाए भाड़ में। वैसे मुझे लगता था कि तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग मेरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन मैं गलत था। मेरी 84% ऑडियंस ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया। ये क्या मजाक है यार, सब्सक्राइब करो यार, मुझे सपोर्ट करो, मुझे 1000 सब्सक्राइबर पहुँचना है किसी भी तरह से। तो हाँ यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर बहुत ज़रूरी है, शेयर ज़रूर करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।